हेलो फ्रेंड्स, आज अपने यतरोई का प्लॉट है। 75 डेज हो गए इसको। आज डेट है 6 अप्रैल और अपने प्लॉट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। 6 अप्रैल है अभी। अपन को रेट मिल रही है 60 से 70 रुपीज़ पर केजी। थोक भाव बता रहा हूँ मैं अभी। अप्रैल के 10-15 दिन ये अर्ली क्रॉप है तो हमें रेट अच्छी ही मिलेगी। प्रोडक्शन देखिए, बहुत शानदार प्रोडक्शन मिला है इस बार अपन को। हाँ, हमने जो सीड यूज़ किया है इसमें, वो किया है ईस्टर्न वेस्ट सीड्स का, नागा एफन तुरई के नाम से जाना जाता है हमारे एरिया में। और अभी 75 डेज हुए हैं इसको, ब्रांचेज इतनी डेवलप नहीं हुए हैं पूरे प्लांट में, तो अभी लगभग लगभग 10 दिन और लेगी। इसके बाद इसमें पूरा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 10 दिन के बाद लगभग लगभग अपन अपने प्रोडक्शन की 90% कैपेसिटी पे चले जाएंगे। तो अभी थोड़ा समय बाकी है, तो भी एक बार का हमारे माल स्टार्ट हो गया है। अभी पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है अपने, 40-50 केजीज़ का हो रहा है। पर ये बढ़कर बहुत जल्द 1 क्विंटल से 100 किलो से ऊपर चला जाएगा। और रेट तो अभी शानदार ही मिल रहा है। तो पिछले साल हमने यही प्रोडक्शन लिया था इसी खेत से, पूरे का 2 लाख रुपए का। तो इस बार तो प्रोडक्शन और शानदार है, तो 2 लाख रुपए से तो ऊपर ही निकल जाएंगे। और हमने माउस ट्रैपर भी लगा रखे हैं इसमें। प्रोडक्शन देखिए आप, रिच गार्ड्स का देखिए दोस्तों, माउस ट्रैपर से अपने आधा काम हो गया है। वाइट फ्लाई जो भी है, छोटी मोटी बीमारी, वो ख़त्म हो जाएगी इसमें। एक तो लिप माइनर की सबसे बड़ी बीमारी आती है ये वाली, ये देखिए अंदर से पत्ते ख़राब हो जाते हैं, अंदर से काट देते हैं, ये देखिए इस ये टाइप वाली। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक दवाई आती है अबासिन, वो डालें। और दूसरी आती है तरोई के ऊपर जो फल आता है उसके ऊपर डंक मार देता है, और उससे वो तरोई पूरी बड़ी नहीं हो पाती है। हाँ, पौधा फल पूरा बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक तो हमने माउस ट्रैपर लगाए, और डंक मारने वाले मच्छर की भी उसकी दवाई आती है, और तीसरी है इसमें इसको बड़ा कैसे करें, फल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले। तो इसके लिए तीन दवाई है, दो तीन दवाई है। एक तो विंच विन आती है 40 रुपये का पैकेट, और दूसरा आता है गोल्ड करके, और एक दवाई और है बम फ्लावर। तो तीन तरह की दवाई हैं, इनका यूज़ करके अपन बढ़िया प्रोडक्शन ले सकते हैं। अर्ली सीजन क्रॉप में फ़ायदा ये है कि एक तो अभी टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है, 30-35 डिग्री का टेम्परेचर भी पूरा नहीं गया इस बार, बारिश ज़्यादा हुई हमारे इधर ऑफ सीज़न वाली, तो 30-35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गया इस बार। तो प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब 40-45 डिग्री टेम्परेचर में ये ख़राब हो जाएंगी। तो हमने इसके लिए ऐसा किया है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो बीच में क्यारियाँ हैं इसमें पानी दे दिया है, और जवार डाल दिए हमने इसमें। ये देखिए पूरे एक निकाल कर, ये तो जवार डाल दिए हमने इसके बीच में, ताकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वजह से पौधों में लू नहीं लगेगी। और ये बीज क्या, अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो इस साइज़ में ये गल जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, और पौधे उतना प्रोडक्शन नहीं आता। तो लू से बचाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। हमने क्यारियों में पानी देना भी स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है, तो पानी भी देते रहना चाहिए ताकि ठंडक बनी रहे खेत में और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको जवाब दिया जाएगा। हम पिछले 4-5 साल से ये खेती कर रहे हैं, और आराम से इसमें अब हम सक्सेसफुल होने लगे हैं। पिछले 2 या 3 साल में हमने अच्छा रिटर्न लिया है। ये हमारे 1 बीघे का प्लॉट है, 22-23 हज़ार स्क्वायर फीट का है। देखिए ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, और तरोई का बेस्ट बीज हमें यही लगा है। हमने इसके अलावा कोई दूसरी वेरायटी ली नहीं है 2 साल से। हमने टेस्ट किया था 2-3 वेरायटी, पर ये बेस्ट वेरायटी यही लगी हमें। 550 रुपये पर पैकेट आता है वो, जिसमें 300 बीज आते हैं।
और पानी पानी का ये है, अभी हम एक दिन छोड़ कर एक दिन दे रहे हैं, एक दिन छोड़ कर एक दिन पानी दे रहे हैं, 2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे देते हैं पानी। अब बराबर चाहिए क्योंकि टेम्परेचर अब बढ़ने लगा है। तो ये हमारे तुरई का काम है, और इसकी कॉस्ट का हमने एक वीडियो और बना रखा है, दवाई का भी हमने बना रखा है, आप देखना उसको देखना ताकि आपको इसकी कॉस्ट का भी आइडिया लग जाए। ये हमारे पास थोड़ा मटेरियल पिछले साल का था, नलियाँ हैं, थोड़े बांस थे, तो हमें अभी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई है, 20-25 हज़ार की कॉस्ट ही आई है। और अभी प्रोडक्शन 1 क्विंटल पर चला जाएगा, 100 KG आराम से। हमारा इसमें से एस्टिमेट है कि कम से कम 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी ये फसल कम से कम 70 डेज चलेगी यहाँ से, लगभग लगभग बारिश आने तक हर साल चलती है, और 5-7 दिनों में हमारा प्रोडक्शन अभी जो 50 किलो है वो 100 किलो चला जाएगा, और एवरेज रेट अपन को 40 या 30 से नीचे नहीं मिलती है, 50 रुपये एवरेज मिलती है, क्योंकि 60-70 रुपये किलो अभी भाव चल रहा है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे तुरई ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी बाज़ार में नीचे आएगी। 25 रुपये 30 रुपये भी पिछले साल गई थी, तो हमारा एस्टिमेट है कि इस साल मिनिमम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसमें से, पिछले 2 साल से निकाल रहे हैं। तो आप भी देखो इस तरह से मचान विधि से तुरई की खेती करके अच्छा मुनाफा निकाल सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, आपको उसकी सही जवाब दिया जाएगा।